we sail a little bit higher? डिजेशन यानी पाचन हमारे शरीर में होने वाली एक जटिल प्रक्रिया है जिसे कई रसायनों की मदद से अंजाम दिया जाता है। वैसे आज के इस वीडियो में हम डिजेशन में बैक्टीरिया के रोल को डिस्कस करने वाले हैं। अगर साइंटिस्ट्स की माने तो हमारे गट यानी आंत में लगभग 300 से 1000 के बीच अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वहीं हमारी आंतों में बैक्टीरिया की कुल संख्या 100 से 1000 खरब के बीच कुछ भी हो सकती है। सच में ये नंबर बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन ये हमारे डिजेस्टिव सिस्टम में क्या कर रहे हैं? डिजेशन के लिए लैक्टोबैसिलस स्पीसीज की सबसे जरूरी बैक्टीरिया हमारी छोटी आंत में पाई जाती है। किसी भी तरह के वेस्ट को पचाने के लिए अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स के छोटी आंत में पहुंचने पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इन्हें डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डेयरी प्रोडक्ट्स में पाए जाने वाले शुगर्स को भी डाइजेस्ट करने में मदद करता है। एनएरोबिकल रेस्पिरेशन के दौरान लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में लैक्टिक एसिड बनाते हैं। हालांकि लैक्टिक एसिड मसल पेन के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन आंत में इसका बड़ा महत्व है। यही गट के पीएच को एसिडिक करने में मदद करता है, जिससे पैथोजेंस जैसे हानिकारक बैक्टीरिया पनप नहीं पाते। अगर सीधे सीधे कहा जाए तो लैक्टिक एसिड हमें बैक्टीरियल फंक्शन से बचाता है। इसके अलावा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया गट में यीस्ट की ग्रोथ को रोक के हमें यीस्ट इन्फेक्शन से भी बचाता है। अच्छा, क्या आपको पता है कि यीस्ट की बड़ी मात्रा हमारे डिजेस्टिव सिस्टम को खराब कर सकती है? जी हाँ, ये सच है, और डिजेशन भी। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे गट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म और जरूरी बायो कंपाउंड्स के प्रोडक्शन को भी प्रभावित करता है। रिसर्च तो ये भी कहती है कि कुछ तरह की कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज, इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज और ओबिसिटी भी हमारे गट में होने वाले बैक्टीरिया के चेंजेस से जुड़े हुए हैं। आइए हम बैक्टीरिया और डिजेशन की ओर वापस चलते हैं। क्या आपको पता है कि एंटीबायोटिक्स का हम पे क्या असर होता है? एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारती हैं या उनके रिप्रोडक्शन को रोकती हैं, लेकिन क्या इससे हमारे डिजेशन पर कोई फर्क पड़ता है? कुछ एंटीबायोटिक्स को खास तरह के बैक्टीरिया से लड़ने के लिए बनाया गया है, इसलिए डॉक्टर्स की कोशिश रहती है कि केवल हानिकारक पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ही टारगेट किया जाए। हालांकि एंटीबायोटिक्स डिजेशन बैक्टीरिया को भी मार देती हैं, तो बीमार होने की स्थिति में एंटीबायोटिक्स का ये साइड इफेक्ट भी हमें हैंडल करना होता है। वैसे बीमारी के बाद गट में हेल्दी बैक्टीरिया को रीस्टैब्लिश करने के लिए हम कुछ चीजें कर सकते हैं। लाइव बैक्टीरिया और यीस्ट जैसे प्रोबायोटिक्स कुछ खास तरह के फूड में पाए जाते हैं, तो एंटीबायोटिक्स की वजह से गट में मौजूद गुड बैक्टीरिया के नुकसान की भरपाई प्रोबायोटिक्स फूड से की जा सकती है। याद रहे, कुछ खास तरह के बैक्टीरिया ही एसिडिक स्टमक के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिनका हाई डोज में होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। खास तरह के बैक्टीरियल पॉपुलेशन को स्टिमुलेट और गट में उनके सर्वाइवल को सुनिश्चित करने के लिए प्रीबायोटिक फूड का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे शानदार डिजेस्टिव सिस्टम को फ्रेंडली बैक्टीरिया की जरूरत होती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने से लगा के हमारे हेल्दी रहने लायक पीएच वैल्यू को सुनिश्चित करती हैं।